दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों जब भी किसी को टीचर बनना होता है, टीचर बनने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी जो होती है, उन कोर्सेज को कंप्लीट करना होता है। चाहे आप डीएड कीजिए, बीएड कीजिए, चाहे आप मास्टर्स में एमएड कीजिए, बट यहां पर भी कुछ सेक्टर्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि बीएड करने वाले बीएड कर लेते हैं, नॉर्मल जो बीएड होती है किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज कर बीपीएड कर लेते हैं, या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं। स्पेशल एजुकेशन पर पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई है, बीएड पर ही बनाई है, बीपीएड की भी काफी इंफॉर्मेशन आप वहां से ले पाएंगे। बट हमारे पास जो लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर बीपीएड के बारे में बताइए कि एडमिशन लेंगे तो क्या कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी का या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा, इसके बारे में आज हम बताएंगे अपने इस वीडियो में ज्यादा कुछ जानने के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों जो आप कमेंट्स आते हैं, जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के बारे में हमें क्या कोर्स करना चाहिए, फीस कितनी होती है, कोर्सेज के बारे में, उसमें बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे बीपीएड के लिए कि सर बीपीएड करनी है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बीपीएड आपको करनी है, ये उसी तरह का एक कोर्स है जैसे आप टीचर बनने वाले हो किसी भी स्कूल में, अब आप स्पोर्ट्स के टीचर लग जाओगे या पीटीआई जिन्हें बोलते हैं आप वो बन जाओगे, उसके लिए आपको बीपीएड करना होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, अब इसमें आप एडमिशन लोगे, वैसे जो बेसिक क्राइटेरिया है 50 या 55% मार्क्स एज पर द यूनिवर्सिटीज का जो भी क्राइटेरिया आता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और एंट्रेंस के थ्रू भी होते हैं। यूनिवर्सिटी किस तरह से एडमिशन लेना चाहती है ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अब है क्या चीज कि आपके पास 50% या 55% है, आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, बट इजीली एडमिशन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए? एनी अप्रूव्ड फेडरेशन का कोई सर्टिफिकेट, किसी भी फेडरेशन से अप्रूव्ड कोई सर्टिफिकेट है, आपने स्पोर्ट्स में कुछ भी योगदान दिया है, स्पोर्ट्स में आपने कोई नाम अपना कमाया है, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो जाता है। साथ में ही ओलंपिक एसोसिएशन का भी, अगर कोई भी इसके थ्रू आपके पास कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी मान्य है, उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी आपने गेम खेला है, किसी भी तरह से योगदान दिया है अपना, तो उसका लेटर भी मान्य होता है, उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा बीपीएड करने के लिए। 2 साल का ये प्रोग्राम है, 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन आप ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है सेमेस्टर मोड या ईयरली मोड, एज पर द यूनिवर्सिटी जो भी उन्होंने सिलेबस अपना बनाया है उस तरह से आप जाकर एग्जाम्स अपने दे सकते हैं। अब इसकी फीस की बात करें, लगभग 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में आपको ये फीस मिल सकती है एज पर द यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ये कॉल आपका है, पर मैं हमेशा अपनी वीडियो से बोलता हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपका जो एडमिशन हो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, और नहीं होता है तो फिर आप जा सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, वहां भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी, इतना टफ नहीं है जिसको कि आप इजीली क्रॉस ना कर पाए, इजीली पास ना कर पाए, तो थोड़ी बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर भी आप उसको इजीली पास कर पाते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में बीपीएड को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछें और पूछें जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं या किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी पर हम अगला वीडियो लेकर आएं, इन सब कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।